आई एम ममता चौधरी, योर हिंदी टीचर। आज मैं आपको चैप्टर 6 हिंदी रीडर में सर्कस पढ़ाऊंगी। बच्चों, सर्कस जो है वो एक प्रकार का मनोरंजन का साधन है। लोग यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, जिसे सभी एज के लोग पसंद करते हैं, चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे हों, सब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। सर्कस में जो है डिफरेंट टाइप्स के तरीके तरीके के करतब दिखाए जाते हैं। सर्कस में जंगली जानवरों जैसे शेर, हाथी, भालू, बंदर, तोता, मैना आदि को ट्रेन करके उनसे तरह तरह के खेल तमाशे दिखाए जाते हैं। साथ ही आदमी भी जोकर आदि बनकर अलग अलग शक्लें बनाकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। सर्कस बच्चों को बहुत भाता है। प्रस्तुत कविता में सर्कस के दृश्य को जीवांत करती है। साथ ही यह बड़े की रोचक ढंग से पशु पक्षियों की स्वतंत्रता छिनने के विषय में भी बताता है। बच्चों, सर्कस के नाम पर जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है, उसको भी इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से इंसान ने सर्कस के नाम पर उनसे उनकी आज़ादी छीन ली है। तो चलो हम इस पोएम को पढ़ते हैं। होकर कौतूहल के वश में गया एक दिन मैं सर्कस में, वह विस्मय के काम अनोखे देखे बहु व्यायाम अनोखे। ये इसका जो लेखक है उनका नाम है कवि जो है सॉरी के कवि बोलते हैं जो कविता को लिखता है, इसका जो कवि है वो है मैथिली शरण गुप्त। एक दिन कवि को क्या लगता है, उनको बहुत जिज्ञासा होती है सर्कस को देखने की। कौतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा, वह का मतलब होता है डर, विस्मय का मतलब होता है हैरानी और बहु का अर्थ होता है अनेक। एक दिन वो जिज्ञासा में सर्कस को देखने गए। वो ये देखने गए क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि वहाँ पे बिना डरे और हैरानी भरे करतब दिखाए जाते हैं आदमी के थ्रू। जो ये लड़की है देखो, ये किस तरीके से बहुत ऊंचाई पर ऐसे लटक कर झूल झूल कर घूम घूम कर अपने करतब दिखाते हैं। तो जो कवि है उसको ये देखना था कि कैसे डर और हैरानी के अनोखे अनेक तरीके के व्यायाम करते हैं सर्कस में। ये जिज्ञासा से वो एक दिन सर्कस देखने जाता है। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैं नहीं बोली। देखो, ये बंदर आया चेयर पर बैठा, उसने लैंप जलाई और बुक खोल के पढ़ने बैठ गया। लेखक जैसे ही सर्कस में गया तो उसने पहले बहुत ही डरावने और हैरान कर देने वाले व्यायाम देखे। लड़कियों और आदमी कर रहे थे उस व्यायाम को, वो देखकर वह आश्चर्य में हो गया। फिर तभी वो क्या देखता है, एक बंदर आता है, बंदर चेयर लेके आता है, लैंप जलाता है, पुस्तक खोलकर उस पर बैठ जाता है। नॉर्मली जानवर ऐसा नहीं करते लेकिन बंदर ऐसा करता है, ये भी एक हैरानी की चीज़ थी। तभी एक मैना आकर बोलती है, हाजिर है हुजूर का घोड़ा, चौंक उठाया उसने कोड़ा, आया तब तक एक बछेड़ा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। तभी मैना आकर क्या बोलती है, हाजिर माने उपस्थित और हुजूर माने श्रीमान। श्रीमान, यहाँ पर आपके लिए एक घोड़ा उपस्थित है। उसने चौंक कर तभी एक कोड़ा उठा लेता है। कोड़ा होता है बच्चों ये हंटर, हंटर को कहते हैं कोड़ा। इतनी देर में एक बछड़ा आता है, उस बछड़े पर बंदर बैठ जाता है और बंदर उस कोड़े से उस बछड़े को मोड़कर ले जाता है। ये सारी हरकतें जो हैं सर्कस में होती हैं। पहले एक लड़की के द्वारा बहुत ही डरावने हैरानी कर देने वाले व्यायाम किए जाते हैं, उसके बाद बंदर आके चेयर टेबल पर बैठ के लैंप जला के किताब पढ़ता है, फिर मैना आकर बताती है कि आपका घोड़ा आ गया, तभी उस पर बंदर बैठ कर कौड़े मारकर उस घोड़े को घुमाकर ले जाता है। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया, मनुष्य सिंह की देख लड़ाई की मैंने इस भांति बढ़ाई। मनुष्य होता है बच्चों मानव, इंसान, और भांति होता है तरह। जब उसने पहले उस लड़की को देखा, फिर बंदर को देखा, फिर मैना आया, फिर एक बंदर,
घोड़े पर बैठकर उसको मोड़ के ले आता है। फिर उसके बाद एक मनुष्य आता है अंत में, वो एक शेर को हाथ में पकड़ के लेके आता है। देखो ये मनुष्य, इसके हाथ में ये शेर लगा हुआ है। सर्कस में बाद में अंत में एक आदमी आता है शेर को लेकर। बच्चों शेर कितना जंगली जानवर, कितना खतरनाक और डरावना जानवर है, उसको कोई इंसान उसके पास नहीं जा सकता। अगर वो चला गया तो वो उसको चीर फाड़ के खा जाएगा। लेकिन इस सर्कस में अंत में एक आदमी शेर को लेके आता है, तो ये भी एक आश्चर्य की और हैरानी की बात थी। मनुष्य ने जो शेर के साथ कर्तव्य दिखाए, उस कर्तव्य को देखकर, उन तरीकों को देखकर उस लेख कवि ने मनुष्य की और सिंह की बढ़ाई करी। मनुष्य की बढ़ाई करी कि उसने किस तरीके से उस शेर पर काबू पा रखा था और वो शेर किस तरीके से उसका नौकर बनके उसके कामों को कर रहा था, उसको देखकर उसने बढ़ाई करी। कहीं साहसी जन डरता है, नर ना हर को वश करता है। उसने कहा देखो कभी हमने ऐसा देखा है कि जन होते हैं लोग, नर होते हैं आदमी और नाहर होता है शेर। उसने कहा देखो हमने कभी ऐसा दृश्य देखा है कि आदमी ने शेर पर काबू पा रखा हो, उसने उसको वश में कर रखा हो। ये सब चीज़ देखकर वो बहुत चौंक गया, उसको बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत हैरानी हुई। कभी को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था देखकर कि देखो किस तरीके से आदमी ने शेर पर वश कर रखा है। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बस भोला, यह सिंगी का जना हुआ है किंतु स्यार वह बना हुआ है। तभी मेरा एक मित्र बोलता है तू तो बहुत भोला है, तुझे सिर्फ ये कर्तव्य दिखाई दे रहा है कि इस आदमी ने शेर को पकड़ रखा है और कैसे उसको काबू में कर रखा है, क्योंकि शेर जंगली जानवर है, वो किसी के काबू में नहीं रहता। लेकिन इस सर्कस में इस इंसान ने इस पर काबू का पा रखा है, तो ये कोई हंसी की या मजाक की या कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत हैरानी की बात है कि ये जो शेर है सिंघनी से पैदा हुआ है। सिंघनी होता है शेर की माँ, मतलब ये शेर की माँ सिंघनी ने पैदा किया है। ये बहुत बहादुर साहसी है, लेकिन ये स्यार बना हुआ है, ये डरपोक बना हुआ है। यहाँ पे ये बहुत बहादुर होते हुए यहाँ पे डरपोक बना हुआ है। यह पिंजरे में बंद रहा है, कभी नहीं स्वच्छंद रहा है, छोटे से ये पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। वो कहता है उसका मित्र कि इसको शुरू से, जब से ये पैदा हुआ है तब से इसको पिंजरे में बंद करके रखा गया है। हमने इसकी आज़ादी छीन ली है, हमने जानवरों की आज़ादी छीन ली। उसका जो व्यवहार है वो ये भूल गया कि वो कितना साहसी और बहादुर है, वो अपना व्यवहार करना ही भूल गया। छोटेपन से ही उसको हमने पिंजरे में बंद करके रखा है, हमने उसको मार मार के सिखाया है कि उसको कैसा व्यवहार करना है। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। वो अपने आप को, उसकी जो पहचान है, उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी व्यवहार है, वो शेर अपना व्यवहार करना भूल गया है। अपनी बहादुरी साहस ये सब भूल के वो कैसा बन गया है, डरपोक आदमी बन गया है, डरपोक जानवर बन गया है और इंसान की बात मान रहा है। बच्चों ये जो पोयम है वो एक तरीके से हम लोगों को ये सीख देती है कि हमें जानवरों को इस तरीके से कैद करके, बंद करके नहीं रखना चाहिए, हमें उनसे उनकी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरीके से जीव हैं, उनके अंदर जीवन है, उनके अंदर फीलिंग है, वो भी महसूस करते हैं कि कैसे उनको रखा जा रहा है। बच्चों हमें भी कभी भी किसी भी जानवर पक्षी को बंद करके नहीं रखना चाहिए। जैसे हम लोग पाल लेते हैं ना तोता वगैरह, हम पिंजरे में बंद करके रखते हैं, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये थी बच्चों पोयम। अब हम आ जाते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज पर। इस कविता की रचयिता कौन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इस कविता की रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। कभी एक दिन कहाँ घूमने गया, कभी एक दिन सर्कस घूमने गया। किसने लैंप जलाया, बंदर ने लैंप जलाया। क्या कभी ने सर्कस में एक मगरमच्छ भी देखा, नहीं।
कभी ने सर्कस में एक भी मगरमच्छ नहीं देखा। फिर आ जाओ लिखित लघु उत्तरीय प्रश्न पर। पहला है, कभी सर्कस में क्यों गया था? कभी सर्कस में जिज्ञासा से गया था। बंदर ने कुर्सी पर बैठकर क्या किया? बंदर ने कुर्सी पर बैठकर लैंप जलाया। मैना ने आकर क्या बोला? मैना ने आकर बोला, श्रीमान घोड़ा उपस्थित है। कौड़ा किसने उठाया? कौड़ा बंदर ने उठाया। बच्चों आवाज आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। एक मनुष्य अंत में किसे पकड़ कर लाया? एक मनुष्य अंत में शेर को पकड़ कर लाया। सिंह सियार की भांति व्यवहार क्यों कर रहा था? सिंह सियार की भांति व्यवहार इसलिए कर रहा था क्योंकि वह बचपन से ही पकड़ा गया है और अपना सिंह वाला व्यवहार भूल गया है। सिंह को सर्कस के तौर तरीके से कैसे परिचित कराया गया? सिंह को सर्कस के तौर तरीके से कौड़े मार मार कर परिचित कराया गया। इस पाठ का मूल भाव लिखिए। पशु पक्षियों की स्वतंत्रता छीनने के विषय में बताया गया है, यही इस पाठ का मूल भाव है। बच्चों ये तो हो गई बुक एक्सरसाइज, अब हम करते हैं इसकी ये तो थी क्वेश्चन आंसर्स, अब हम करते हैं बुक एक्सरसाइज। यहाँ पर पठित पद्यांश प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। भय का क्या अर्थ होता है? भय का अर्थ होता है डर। मनुज का क्या अर्थ होता है? मनुज मालिक, मानव, हुजूर क्या होता है? मानव। बहु का क्या अर्थ होता है? बधु, फूल, अनेक। छोटी सी आयु में किसे कैद कर लाया गया था? शियार को, शेर को, कभी को? शेर को। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। बच्चों जो पीछे पोयम दी गई है वो ही कंप्लीट करनी है आपको। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, आ तब तक मैना यूं बोली। ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है। छोटे से ये पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया, अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। बच्चों ये हो गई कविता की पंक्तियाँ थी, ये हमने पूरी कर ली। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। अंत में सर्कस में एक युक्ति आई? नहीं। अंत में कौन आया था? एक मनुष्य। मानव और शेर की लड़ाई की कवि ने बहुत तारीफ की? हाँ उसने तारीफ की थी। सिंह स्वभाव से निडर होता है? हाँ वैसे तो वो स्वभाव से निडर होता है, लेकिन यहाँ पे सर्कस में वो डरपोक बन गया था। सिंह को बचपन से गुफा में बंद करके रखा गया था? नहीं, सर्कस में पिंजरे में बंद करके रखा गया था, ये रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हो गया और मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा, हमें पशु पक्षियों को कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए, हमें उनको उनकी आज़ादी देनी चाहिए। अगर हम आपसे आपकी आज़ादी छीन लें तो आपको कैसा लगेगा? वैसा ही जानवरों को लगता है, बट वो बेजुबान होते हैं इसलिए वो कह नहीं पाते। तो हमें ये खुद से सोचना चाहिए कि हमें उनको इस तरीके से नहीं रखना चाहिए। तो आपको बुक एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है और क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करनी है। ये सब मैं आपके पेरेंट्स से कंफर्म करूँगी कि आपने काम किया कि नहीं किया, तो आप इसको सुनेंगे और अपनी कॉपी में वर्क कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट हो। स्टूडेंट अब हम चैप्टर 6 सर्कस के कठिन शब्द शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कठिन शब्द। पहला है कौतूहल, दूसरा है सर्कस, तीसरा है भय, चौथा है बहु, पांचवा है व्यायाम, सिक्स्थ है छटपट, सातवां है लैम्प, आठवां है मैना, नाइन्थ है हाजिर और टेंथ है हुजूर। ये हो गए हमारे कठिन शब्द। अब हम आ जाते हैं शब्दार्थ पर। शब्दार्थ पहला कौतूहल, कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा। दूसरा है भय, भय का अर्थ होता है डर। तीसरा है विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है हैरानी। चौथा है हुजूर, हुजूर का अर्थ होता है श्रीमान।
पांचवा है नर, नर का अर्थ होता है आदमी, और छठा है नाहर, नाहर का अर्थ होता है शेर, और सातवा है सिंही, सिंही का अर्थ होता है सिंहनी, और आठवा है जन, जन का अर्थ होता है लोग। अब स्टूडेंट हम करेंगे वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में पहला वाक्य देखिए, भय, शेर से सभी को भय लगता है। सेकंड है सर्कस, बच्चे सर्कस में मजे लेते हैं। थर्ड है लैम्प, लैम्प से प्रकाश होता है। फोर्थ है झटपट, हम अपना काम झटपट कर लेते हैं। फिफ्थ है पिंजरे, शेर पिंजरे में रहता है। स्टूडेंट हमने देखा इसमें कठिन सर्व, सप्तर्थ और वाक्य प्रयोग हो गए। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। मौखिक प्रश्न, इस कविता के रचयिता कौन हैं? इस कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। कभी एक दिन कहाँ घूमने गया? कभी एक दिन सर्कस घूमने गया। किसने लैंप जलाया? बंदर ने लैंप जलाया। क्या कवि ने सर्कस में एक मगरमच्छ भी देखा? कवि ने सर्कस में एक भी मगरमच्छ नहीं देखा। अब आइए स्टूडेंट लिखित लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, कवि सर्कस में क्यों गया था? कवि सर्कस में कौतूहल के वश में होकर गया था। बंदर ने कुर्सी पर बैठकर क्या किया? बंदर ने कुर्सी पर बैठकर पुस्तक खोली। मैना ने आकर क्या बोला? मैना ने कहा, हुजूर का घोड़ा हाजिर है। कोड़ा किसने उठाया? कोड़ा बंदर ने उठाया। अब आ जाते हैं स्टूडेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है, एक मनुष्य अंत में किसे पकड़ कर लाया? एक मनुष्य अंत में शेर को पकड़ कर लाया। सिंह सियार की भांति व्यवहार क्यों कर रहा था? सिंह सियार की भांति व्यवहार इसलिए कर रहा था क्योंकि वह बचपन से पकड़ा गया था और अपना सिंह वाला व्यवहार भूल गया था। सिंह को सर्कस के तौर तरीकों से कैसे परिचित कराया गया? सिंह को कोड़े मार मार कर सर्कस के तौर तरीकों से परिचित कराया गया। इस पाठ का मूल भाव लिखिए। इस पाठ में पशु पक्षियों की स्वतंत्रता छीनने के विषय में बताया है। स्टूडेंट ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर, सप्तर्थ, कठिन सर्व, वाक्य प्रयोग। ये आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे।